शादी के बाद अपनी दीदी को लेके बाहर शिफ्ट हो जाता, यही उम्र होती है पैसे कमाने की, कुछ बनाने की। बीवियों के हाथों में होते हैं सुराख, इधर पैसे दिए उधर दोबारा तकादा शुरू। इनकी बातों में ना आ जाना बेटा, ये नहायत ही कंजूस इंसान है। सारी जिंदगी इन्होंने ना पैसे को दांतों में दबा के रखा। अगर मैंने दांतों में पैसा दबा के ना रखा होता ना, तो सारा पैसा तुम इसी तरह उड़ा देती। ये ऐशो आराम, ये घर कुछ भी ना होता। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिल गया बैठे बिठाए। अच्छा, ये ऐश जो है ना मेरे बेटे की वजह से है, ये तो अल्लाह ने इसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। आमीन। सुभान फातिमा, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ थोड़ी बहुत दुआ जो है अपने दूसरे बेटे के लिए भी मांग लिया करो। सुबह सुबह काला कोट पहन के निकल जाता है, अबे रात को मोहतरम जो है अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते पाए जाते हैं। शुक्र अदा करें कि किसी काम धंधे पे लगा हुआ है। अच्छा सुनो, वो मिसेस इशरत का फोन आया था, वो कह रही थी कि बहुत अच्छी लड़की उन्होंने तुम्हारे लिए पसंद की है, तुम जरा शाम में जल्दी आ जाना तो हम वहाँ जाके दिखाएंगे। मुझे भी शादी नहीं करनी है। एक मिनट, 32 साल के हो गए यार, और तुम्हारी उम्र में मेरे 2 बच्चे थे भाई। अब मैंने आपसे कहा ना, अभी मुझे शादी नहीं करनी, जो वक्त आएगा तो फिर कर लेंगे।